हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मज़ा स्टडी। दोस्तों, अलजेब्रा पार्ट 8 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले पार्ट 7 तक अपलोड वीडियो अपलोड हो चुकी है, जिसमें जितने सारे मतलब इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, जैसे सिमेट्री कॉन्सेप्ट और वेरिएबल ज़ीरो पुट करने वाला कॉन्सेप्ट हो गया, या फिर फॉर्मूला बेस्ड सवाल, सब के सब कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी हम लोग पॉलिनोमियल, जो इसका जो अहम पार्ट है, इसको सीखने जा रहे हैं। तो अलजेब्रा का, क्योंकि ये बहुत ही अहम पार्ट है, इसको सीखेंगे। यहाँ पे बहुत बेसिक से शुरू से हम सीखेंगे पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, ठीक है। छोटे छोटे सवालों को इसमें देखेंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। अगर आप नए व्यूअर हैं तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और फ्री है, कोई ऐसा नहीं है कि इसका कोई चार्ज लगता है, ठीक है। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पूरा वीडियो अंत तक देखें, और कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, आसान लगने लगेगा पूरा अलजेब्रा। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं पॉलिनोमियल में, जिसको हम हिंदी में बहुपद कहते हैं। तो इसमें पहले हम जानेंगे एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है? तो एक्सप्रेशन यानी, इसको हम हिंदी में कहते हैं व्यंजक, व्यंजक कहते हैं। व्यंजक कहते हैं चर के बीच संबंध को, ठीक है। चर मतलब वेरिएबल, ठीक है ना, रिलेशन बिटवीन वेरिएबल, यानी चर के बीच संबंध को एक्सप्रेशन किया कहा जाता है व्यंजक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे दिया हुआ है वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू क्यूब, ठीक है। ये दिया हुआ है, इसको यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको व्यंजक कहते हैं, जिसमें से वाई एक्स जेड और डब्ल्यू ये चर है यानी वेरिएबल, इसे वेरिएबल कहते हैं, वेरिएबल्स हैं सारे, जिसमें से एक्स जेड और डब्ल्यू ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्वतंत्र चर, इसको स्वतंत्र चर कहते हैं, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जिस और वाई को है, ये डिपेंडेंट है, वाई अस्वतंत्र चर है। मतलब ये हुआ कि एक्स वाई जेड स्वतंत्र चर है, वाई अस्वतंत्र है, मतलब कि वाई का जो वैल्यू है एक्स जेड डब्ल्यू पर निर्भर करता है, ठीक है ना, और ये किसी पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। अगर इसका वैल्यू बदलेगा, ठीक है, तो वाई का भी वैल्यू बदलेगा। मतलब ये हुआ कि वाई जो है इन पर निर्भर करता है, अगर इसका मान बदल जाएगा तो इसका भी बदल जाएगा, ठीक है ना, लेकिन ये किसी पर निर्भर नहीं करता है। इस वजह से एक्स जेड डब्ल्यू ये स्वतंत्र चर है और वाई अस्वतंत्र है। तो ये बेसिक चीज था, चर किसे कहते हैं, रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। और जैसे एग्जांपल है वाई इजिकल टू एक्स प्लस जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू क्यूब, ठीक है, जिसमें चारों जो है एक्स डब्ल्यू जेड है वाई, सारे को चर यानी वेरिएबल्स कहते हैं, जिसमें से एक्स जेड डब्ल्यू स्वतंत्र चर है और वाई अस्वतंत्र है, क्योंकि वाई का मान एक्स जेड डब्ल्यू पर निर्भर कर रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बहुपद क्या होता है, यानी पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। बहुपद एक ऐसा व्यंजक है, यानी ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें एक ही चर होता है, यानी सिंगल चर होता है, तथा उस चर की घात धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखें, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। दो चीज़ इसमें ध्यान देना है कि एक ही चर होता है, ठीक है, और तथा उस चर की घात जो है यानी डिग्री धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं,
देखिए एक छोटा सा सवाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित व्यंजकों में से, ये छूट गया था। देखिए निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन सा बहुपद है? अब यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, अभी इसमें से कौन सा बहुपद है ये हमको जांचना है। तो हमने डेफिनेशन में क्या सीखा है कि बहुपद एक ऐसा व्यंजक है जिसमें एक ही चर होगा, ठीक है, एक ही चर होगा तथा उस चर की घात पॉजिटिव होनी चाहिए। तो चर तो सभी एक ही में एक्स 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 है, ठीक है, उसके अलावा तो वाई या जेड नहीं है, सही है। चलिए दूसरे की धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, उसकी घात जो है डिग्री। तो अब यहाँ पर देखेंगे ये 1/x है, तो 1/x को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 है पावर, तो इसको जब 1/x को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो लिखते हैं -x^-1, तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा इसकी डिग्री, यानी ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो वेरिएबल है इसकी क्या इसमें है कि पॉजिटिव होनी चाहिए, तो इसमें तो नेगेटिव है, इसलिए ये तो नहीं हो सकता है। दूसरा ये है कि रूट एक्स है, फिर 1/√x, रूट एक्स को हम लिख सकते हैं x^2 लिखते हैं, रूट को इस तरह से लिखते हैं, तो ये हाफ जो है ये पूर्णांक नहीं है। देखिए जो उसकी डिग्री है धनात्मक भी होनी चाहिए, पॉजिटिव भी होनी चाहिए और पूर्णांक भी होनी चाहिए। पूर्णांक मीन्स पूरा अंक, यानी कि इंटीजर, यानी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ये तो 1/2 फ्रैक्शन में है, मतलब ये भी नहीं होगा। तीसरा देखते हैं, यह x² है, यानी कि इसकी डिग्री धनात्मक भी है और पूर्णांक भी है, यहाँ 1 है, ये भी धनात्मक भी है पूर्णांक भी है, तो ये उम्मीद है कि होगा और ये है, बिल्कुल है। अभी यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो x^2 यहाँ पे देखें तो रूट है, यानी कि x^2 है, यानी ये नहीं हो सकता है, यानी आंसर 3 होगा। तीसरा जो है बहुपद है, क्यों बहुपद है, क्योंकि x की डिग्री पॉजिटिव भी है और इंटीजर भी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सवाल लिया हुआ है पूरा, अब इसमें से आपको चुनना है कौन सा पॉलिनोमियल है, यानी कौन सा बहुपद है। तो देखिए फर्स्ट में देखिए बहुपद का क्या है कि चर की घात पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है, वेरिएबल की जो डिग्री है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे जो है इंटीजर नहीं है, यहाँ पे फ्रैक्शन है, रूट को हम लिख सकते हैं 1/2, तो यहाँ पे ये नहीं हो सकता पहला, और ये तो और नहीं हो सकता है क्योंकि डिवाइडेड बाय √x है, तो ये तो ऐसे भी -1/2 हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। और नेगेटिव फ्रैक्शन है, एक तो फ्रैक्शन तो होता है ना ऊपर से नेगेटिव, ये तो हो नहीं सकता है, ये भी इसको हम लिख सकते हैं x^-1, ठीक है, 1/x को x^-1 लिख सकते हैं, यानी इसकी डिग्री नेगेटिव है, ये नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए 2x है, यानी x^1 है, पॉजिटिव भी है और इंटीजर भी, यानी कि ऑप्शन 4 यानी डी होगा इसका आंसर। दूसरे में देखेंगे यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, यानी कि इसकी डिग्री, देखिए इसको नहीं देखना है, यहाँ पे देखें x^-1 होगा, ये नहीं हो सकता है, ये रूट में है, यानी कि -x^-1/2 होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता है, ये तो x^√x को लिख सकते हैं 1/2, यानी फ्रैक्शन में है इसकी डिग्री, ये भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे -5 है, अब यहाँ पे तो हमें कुछ वेरिएबल दिख नहीं रहा है x, तो देखिए ऐसे नंबर को हम इस तरह से लिख सकते हैं -5, देखिए ये क्या है -5 जो है, और आंसर भी यही है, तो ये जो है इसे हम कहते हैं कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इसलिए कहते हैं कि -5 को अगर हम एक वेरिएबल से हम मल्टीप्लाई कर दें एक से, ठीक है, और इसकी पावर x^0 रख दें, क्योंकि किसी भी वेरिएबल का पावर 0 1 होता है, तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये जो है पॉलिनोमियल के कैटेगरी को जो है सेटिस्फाइड करता है, क्यों, क्योंकि x^0 है, यानी 0 क्या है, 0 संख्या क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, और पॉलिनोमियल के लिए, खैर इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान दे दें, हमने
इसको लिखना भूल गए थे, खैर कोई दिक्कत नहीं है, कि बस याद रखना है किसी भी वेरिएबल का वेरिएबल की डिग्री नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, ठीक है, किसी वेरिएबल की डिग्री नॉन नेगेटिव इंटीजर हो तो उसे पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हमने वहाँ पे सीखा था बहुपद एक ऐसा व्यंजक है जिसमें एक ही चर होता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही चर यूज़ हुआ है, और उसकी पावर जो हमने लिखा था धनात्मक, धनात्मक तो है ही है, हम उसको सीधे एक लफ्ज़ों में कह सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, तो ज़ीरो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुपद को सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी ये भी पॉलिनोमियल है, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, इसलिए कि इसमें जो है फाइव जो है एक कॉन्स्टेंट जो है मल्टीप्लाइड है, इसलिए हम इसे कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, और इसका जो आंसर होगा यही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे में चौथे नंबर पे है, यहाँ पे देखना है कौन है पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे देखेंगे कि एक्स है, यानी कि एक वेरिएबल तो यूज़ हुआ है, सही बात है, लेकिन इसकी डिग्री है, डिग्री देखिए किसे कहते हैं, किसे डिग्री कहते किसे वो भी जान लें, तो डिग्री जान लेते हैं, डिग्री को हिंदी में कोटि कहते हैं, यानी चर की अधिकतम घात को बहुपद की कोटि कहते हैं, या वेरिएबल की अधिकतम घात, मैक्सिमम पावर, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि ये तो नहीं हो सकता है क्योंकि नेगेटिव है, ठीक है, नॉन नेगेटिव डिग्री होने चाहिए, ये तो नहीं हो सकता है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ भी नेगेटिव है, ये भी नहीं हो सकता है, यहाँ भी देखिएगा तो यहाँ भी वेरिएबल की जो डिग्री है वो नेगेटिव है, ये भी नहीं हो सकता। अब रहा है एक ही ऑप्शन है, जब एक ही ऑप्शन है तो यही होगा आंसर, तो आंसर यही है, लेकिन समझना होगा यहाँ पे तो ज़ीरो है। अब यहाँ पे भी एक केस आ गया है कि ज़ीरो, इसमें तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो देखिए इसमें भी सेम केस है, इसे हम कहते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल, ठीक है, ज़ीरो पॉलिनोमियल इसलिए कहते हैं कि ज़ीरो को हम लिख सकते हैं ज़ीरो इंटू एक्स टू द पावर ज़ीरो लिख सकते हैं, ठीक है, यानी एक्स टू द पावर वन होगा, एक्स टू द पावर ज़ीरो वन होगा, देखिए ज़ीरो है इंटू एक्स टू द पावर ज़ीरो, इसका वैल्यू वन होता है, तो वन से ज़ीरो को मल्टीप्लाई करेंगे वन ही आएगा, ठीक है, इस वजह से हम इसको लिख सकते हैं एक्स टू द पावर ज़ीरो, और क्योंकि एक्स की यहाँ पे हमें वेरिएबल एक्स मिल गया और एक्स की जो डिग्री है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, मतलब ये पॉलिनोमियल है, इसे हम कहते हैं क्योंकि ये ज़ीरो है, ज़ीरो के साथ है, इसलिए ज़ीरो पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से दो चीज़ याद रखना है, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल भी होता है और ज़ीरो पॉलिनोमियल, इसलिए फोर्थ आंसर होगा। लेकिन हाँ, जब हमसे ये कहा जाएगा ज़ीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, तो हम नॉट डिफाइंड, उसे फाइंड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि देखिए अगर हम ज़ीरो इंटू एक्स टू द पावर मान लें कि फोर ले लेते हैं, ठीक है, एक्स टू द पावर फोर ले लेते हैं, यानी कुछ भी आएगा मान लें कि सपोज़ कि कुछ भी वैल्यू आ जाए वन टू थ्री फोर, और जब उसे हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी यहाँ पे भी ज़ीरो हमें मिल जाएगा, यहाँ भी मिल रहा था और यहाँ भी, यानी कुछ भी हम एक्स टू द पावर मल्टीप्लाई कर दे तो ज़ीरो ही मिलेगा, तो या तो हमको बहुत सारे, अब यहाँ पे डिग्री फोर मिल जा रहा है, ठीक है ना, तो हमें बहुत सारी डिग्रियाँ मिल जाएगी, इस वजह से यहाँ हम डिफाइंड नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। तो ज़ीरो पॉलिनोमियल में हम डिग्री फाइंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ इतना जान सकते हैं कि ज़ीरो भी एक पॉलिनोमियल है, इसे हम ज़ीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। तो उम्मीद है कि ये भी आप समझ चुके हैं। अब पाँचवें नंबर पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल आ गया है, हमने क्या कहा था कि बहुपद वो व्यंजक है जिसमें जिसमें एक चर होता है, ठीक है ना, और नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए उस चर की घात, ठीक है, तो यहाँ पे तो दो चर है एक्स और वाई, ये नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे देखें ये तो हम वन बाय एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर माइनस टू, यानी ये नेगेटिव है, ये नहीं हो सकता है, यहाँ रूट है, ये फ्रैक्शन में है, ये नहीं हो सकता है, और सीधे से देखेंगे यहाँ एक वेरिएबल है और नॉन नेगेटिव इंटीजर है, या यूँ कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, यानी ये चौथा होगा। में हमने पॉलिनोमियल यानी बहुपद के बारे में कॉन्सेप्ट बताया, व्हाट इज़ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं,
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल क्या होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है, ये बेसिक चीज़ें हैं लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो आप हर तरह के सवाल बना सकते हैं, ठीक है ना? क्योंकि एग्ज़ाम में क्या सवाल पूछेगा आप या हम नहीं जानते वो, क्योंकि एग्ज़ाम में सवाल जो है ना उसका लेवल को बढ़ाता जा रहा है, इसलिए पूरा बिल्कुल पूरे कॉन्सेप्ट से पढ़ें, जब भी पढ़ें कहीं भी पढ़ें पूरे कॉन्सेप्ट से। और मेरा ये कोशिश है कि पूरा कॉन्सेप्ट से पढ़ाया जाए। तो देखिए, सवाल पहला हमने यहाँ पे लिया, एक्स स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू टू एक्स, तो फाइंड एक्स टू द पावर फोर माइनस एक्स टू द पावर थ्री, इस तरह से प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है क्या होगा, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे इसको हम किस तरह से शॉर्ट में इसको बनाएंगे। देखिए, जब भी ऐसे सवाल आ जाए, जब एक्स स्क्वायर अब इसका पावर बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि हम इसमें जो है ना मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स में, इस इक्वेशन में, पूरे इक्वेशन में हम एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस टू एक्स हो जाएगा, प्लस टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? फिर इस इक्वेशन में जो है हम फिर से एक्स की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना? यानी बड़े वाले पावर तक हम ले जाएंगे इसको, तो ये बन जाएगा एक्स की पावर फोर प्लस टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स क्यूब हो जाएगा। अब हम सभी को जोड़ देंगे, पहले इसको डिटेल से समझ लेते हैं फिर शॉर्ट में बताते हैं। देखिए, जब दोनों पक्ष को आप ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर फोर। अब इसको जोड़ देते हैं, ठीक है ना? टू प्लस टू एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर, इस पक्ष के सबको जोड़ दें, इज इक्वल टू टू एक्स, इधर टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस टू एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ एक एक्स क्यूब है, यहाँ टू एक्स क्यूब है, इसको जब हम इधर ले आएंगे, यहाँ से हटा करके इधर लाएंगे, तो यहाँ से टू एक्स क्यूब है, यहाँ घट जाएगा, इधर प्लस में था इधर आके माइनस होगा, तो एक एक्स क्यूब इधर बच जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आपको टू एक्स और इधर टू एक्स आपस में ही कट जाएगा, ठीक है? यानी अगर इसको इस साइड लाएंगे तो घट जाएगा, सिंपल सी बात। अब टू एक्स स्क्वायर यहाँ से और ये कट जाएगा, सिंपल है। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या बच जा रहा हमारा, एक्स टू द पावर फोर माइनस इधर जो आपको एक्स क्यूब है प्लस में है, इस साइड में लाएंगे तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, यानी ये भी यहाँ से हट गया, ठीक है? अब हमारे पास बचा है, इसको लिख लिए हैं, अब एक्स प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस ये जो टू बचा है, और इधर सबका सब कट गया, कुछ भी नहीं बचा, ये जीरो बचा, ठीक है? तो हमसे यही पूछा था, सवाल ये था, एक्स टू द पावर फोर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू ये है, और इसकी वैल्यू जीरो आई, और यही इसका जीरो इसका आंसर होगा। तो इस तरह से हम जब सवाल आ जाए तो हम बड़े वाले पावर तक हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स को, ले जाएंगे, ठीक है, दोनों पक्ष में, और उसके बाद दोनों पक्ष को ऐड कर देंगे और सिंपल से आंसर निकाल लेंगे। तो यह समझाने के लिए इतना लंबा चार स्टेप लगा, वरना आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते थे, ठीक है? यहाँ करना क्या था, सेम प्रोसेस है, आप वही कीजिएगा, बट करना क्या है, देखिए इक्वल के दोनों पक्ष में देखिए, यहाँ से टू एक्स डायरेक्ट कट जाएगा, सिंपल है। यहाँ से आप देखेंगे फिर टू एक्स स्क्वायर है, टू एक्स स्क्वायर ये कट जाएगा, यहाँ से एक्स क्यूब है इधर लाएंगे, यहाँ से घट जाएगा, तो ये टू कट जाएगा, यानी टू एक्स क्यूब है ना, एक एक्स क्यूब बचेगा, यानी टू हटा देंगे डायरेक्ट लिखा गया, ठीक है? अब हम सिंपल, हमारे पास अब देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास बचा एक्स क्यूब माइनस, इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू, और इधर कुछ भी नहीं बचा, तीनों कट गया, जीरो डायरेक्ट यहाँ से हम निकाल सकते थे, तो उतना लंबा प्रोसेस से भी बच जाएंगे। तो वो समझाने के लिए था। तो चलिए, उम्मीद है कि ये चीज़ समझ में आ गया होगा। और भी डिफ़िकल्ट सवाल जो है उसको लेते हैं। अभी एक सवाल है, दिया हुआ है, इसकी वैल्यू दी हुई है, पूछे हमसे पी स्क्वायर प्लस टू पी क्या होगा। देखिए, इसको जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ एक फॉर्मूला पैटर्न में यहाँ पे है, वो आपको अगर याद होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है।
अब आप इसको ध्यान से देखें, इसी फॉर्मूला में बेस्ड है ये, एक पी क्यूब प्लस थ्री इंटू, हम इसको लिख सकते हैं वन इंटू पी क्यूब लिख सकते हैं, प्लस थ्री पी इंटू इंटू पी इंटू वन लिख सकते हैं, इज इक्वल टू सेवन। यहाँ पे क्या है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, थ्री इंटू वन इंटू पी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम कोई इसको मान लें ए मान लें, तो थ्री ए स्क्वायर बी, बी की जगह वन, बस इतना ही आपको देखना था। अब हम इससे हमको ये पता चल गया कि हम इसको हम सजा सकते हैं ए प्लस बी के होल क्यूब में। अब सजाने के लिए देखिए, वन का क्यूब कुछ भी कर ले वन ही आएगा, क्यूब स्क्वायर पावर फोर फाइव कुछ भी। अब हम क्या करेंगे, हम पी क्यूब मिल गया, अब हम क्या करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है ना, प्लस बी क्यूब हम लाने के लिए हमको एक वन चाहिए, तो वन लिख दी। अब इस पक्ष में हम वन ऐड किए तो सेवन था, इसमें भी वन ऐड करना होगा। अब हम इसको वन को वन क्यूब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्लस हमारे पास क्या था, थ्री, फॉर्मूला क्या कहता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी, तो ए स्क्वायर इसको हम ए माने और इसको बी माने, तो थ्री ए स्क्वायर यानी पी स्क्वायर इंटू बी, बी वन है, वन से मल्टीप्लाई होगा तो वन ही होगा, इसलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दें थ्री पी स्क्वायर प्लस थ्री ए बी स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो थ्री इंटू ए कितना है, पी है, और बी स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन ही होगा, और वन से मल्टीप्लाई होकर के थ्री पी ही आएगा कुल मिलाकर, तो हम इसके थ्री पी में है, यानी हमें यहाँ से पता चल गया है, यानी ए क्यू ए प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्म में है ये। तो हमने क्या किया, दोनों पक्ष में वन वन ऐड कर दिया, अब इसको वन क्यूब कर दिया। अब हमको यहाँ से सीधा से पता चल गया ये पी प्लस वन के होल क्यूब में है, इसको हम सीधे हम इस पार्ट को लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एट है, सेवन और वन एट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं पी प्लस वन का होल क्यूब इज इक्वल टू एट, जो है ये टू टू का क्यूब है, क्यूब क्यूब कट गए, यानी पी प्लस वन इज इक्वल टू टू, यानी पी इज इक्वल टू वन आ गया। अब हमसे सवाल ये पूछा था पी का स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर वन प्लस टू पी, पी वन है यानी दो एकम दो, और तीन दो और एक तीन, सीधे से आंसर आ जाए। बस समझाना यहाँ पे ये था, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये एक फॉर्मूला के पैटर्न में था ए प्लस बी के होल क्यूब में, बस यहाँ पे हमको वन की ज़रूरत था, वन हमने ले लिया, जब वन यहाँ लिया है तो यहाँ भी लेना होगा। अब डायरेक्ट इसको हम लिख सकते थे पी प्लस वन का होल क्यूब इज इक्वल टू एट, और यहाँ से हम डायरेक्ट आंसर निकाल लिए। देखिए जब सवाल इस तरह से दिया हुआ रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू एक्स, फाइंड एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी, तो हमें यहाँ पे देखिए करना क्या है, यहाँ पे हम वही चीज़ करेंगे, बस आसानी के साथ हम क्या करेंगे, दोनों पक्ष में एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा, प्लस वन ए वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब दोनों को जोड़ देंगे, देखिए यहाँ से एक्स और एक्स कट जाएगा, ठीक है ना, वही प्रोसेस है जोड़ के फिर इधर उधर लाना, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यानी एक्स प्लस वन इधर बचा और इधर ज़ीरो बचा, यानी एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से निकालेंगे डायरेक्ट। देखिए अब एक सवाल लेते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्स इजल टू एलेवन दिया हुआ है, पूछा है इसकी वैल्यू। तो अब देखिए ऐसे सवाल आ जाए तो आपको दिखने में कितना हार्ड लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, बस सिंपल, तुरंत बन जाएगा सेकंडों में। हाँ लेकिन ये गलती नहीं करना, फिर से यहाँ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे तो एक्स के पावर फाइव करते करते आप यहाँ पे पता चला कि आप सो गए, इस तरह से दिमाग घूम जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है, बस ये पैटर्न पर आधारित होता है ये सवाल। देखिए करना क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स की पावर फाइव, हम इसको क्या करेंगे, इलेवन जो दिया हुआ है ना इसी पर कुछ ना कुछ छुपा है, आप या क्या है? लिख सकते हैं ट्वेल्व एक्स की पावर फोर को आप लिख सकते हैं इलेवन एक्स की पावर फोर माइनस एक्स की पावर फोर, बात तो बराबर है, ग्यारह एक्स की पावर चार माइनस 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 जुट जाएगा तो फिर से बारह एक्स की पावर चार आ जाएगा, हम इसी को ब्रेक कर लिए, फिर प्लस, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको लिख देंगे इलेवन एक्स की पावर थ्री प्लस एक्स की पावर थ्री, बात तो बराबर है, ग्यारह बारह एक्स की पावर थ्री जोड़ देने से वही बन जाएगा, फिर यहाँ पे लिख देंगे इलेवन एक्स की पावर टू माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देंगे इलेवन एक्स प्लस एक्स माइनस वन, ठीक है, अब ये हमारा सवाल रह गया इस टाइप से। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों से देखिए
एक्स की पावर फोर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक्स की पावर वन बचेगा माइनस यहाँ पे इलेवन बचेगा। ध्यान दें यहाँ पे पावर फोर कॉमन लिए तो यहाँ एक्स बचा और यहाँ तो पावर एक्स की पावर चार निकल गया, बचा सिर्फ इलेवन। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे माइनस एक्स की पावर थ्री कॉमन लेंगे, इसको देखना है ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पे बच जाएगा एक्स की पावर वन ठीक है माइनस इलेवन। देखिए क्योंकि देखिए यहाँ से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 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 प्लस माइनस एक्स की पावर फोर हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस इलेवन एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ लेंगे एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा एक्स की पावर वन माइनस इलेवन। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम एक्स स्क्वायर है हम यहाँ पे सिर्फ एक्स लेंगे कॉमन तो यहाँ बचेगा एक्स और यहाँ बचेगा माइनस इलेवन। ठीक है, प्लस इलेवन माइनस वन, बस इतना करना था। ये थोड़ा मेरा मकसद थोड़ा सा बता देना। अब देखिए एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है 11 और 11 में से 11 जाएगा तो ये पार्ट ज़ीरो हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो करके किसी भी संख्या को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करने पर ज़ीरो हो जाता है। तो मतलब ये पूरा पार्ट हमको ज़ीरो मिल जाएगा, यहाँ भी ज़ीरो होगा और ये भी पार्ट ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ भी ज़ीरो होगा और ये पूरी पार्ट ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ भी एक्स में से एक्स एक्स इलेवन है, इलेवन में से इलेवन ये ज़ीरो और ये पार्ट भी ज़ीरो हो जाएगा। सीधे से बच जाएगा यहाँ पे हमारा 11 माइनस 1 यानी कि 10 इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। देखिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे एक्स की वैल्यू रख दी थी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 11x + x लिखेंगे, बात तो वही है ठीक है ना। और एक्स हमारा बच जाएगा एक्स माइनस वन यानी 11, एक्स की वैल्यू 11 है माइनस वन यानी 10 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। चलिए एक और सवाल लेते हैं इस टाइप का। ये सवाल दिया हुआ है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है यदि एक्स इज इक्वल टू 16 दिया हुआ है। देखिए सिंपल है, ऐसा देगा कि इसको तोड़ना आसान हो जाएगा। अब इसको हम बनाएंगे कैसे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स की पावर फोर लिख दिए, अब इसको लिखेंगे 16x² 16x³ माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 16x² माइनस एक्स सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 16x माइनस एक्स प्लस 17 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे एक्स की पावर थ्री लेंगे तो अंदर बच जाएगा एक्स माइनस 16 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस एक्स एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स और यहाँ पे माइनस 16 बच जाएगा क्योंकि फिर माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान दें। अब यहाँ पे हम कॉमन लेंगे, एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा एक्स माइनस 16 बचेगा और यहाँ पे बच जाएगा एक्स और यहाँ पे 17। अब देखिए इस पार्ट की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी क्योंकि एक्स हमें 16 दिया हुआ है, 16 में से 16 जाएगा ज़ीरो, तो ये पार्ट ज़ीरो, ये पार्ट ज़ीरो, ये पार्ट ज़ीरो, सिर्फ बच जाएगा माइनस एक्स प्लस 17। यानी कि एक्स की वैल्यू 16 दिया है यानी माइनस 16 प्लस 17 आएगा 1 आ जाएगा डायरेक्ट इसका आंसर। तो उम्मीद है कि ये बेसिक सवाल जो थे उसको हमने लिया है पॉलिनोमियल बेस्ड, और ये आपको उम्मीद है पसंद आया होगा। और जब अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करें वीडियो ताकि हमें मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।